इराक में अमेरिकी कैंप पर किया हमला, ईरान ने एक दर्जन से ज्यादा मिसाइलें डाल दी। हमले के बाद व्हाइट हाउस में खलबली, ट्रंप की मीटिंग, पेंटागन का बयान, कर रहे नुकसान का आकलन। सुलेमानी को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जाते बोले अमेरिका पर हमले की प्लानिंग कर रहा था सुलेमान। ईरान के हमले का असर, कच्चे तेल के दामों पर, तेल की कीमत में 3.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी। जनरल सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने अमेरिकी फौज को बताया आतंकवादी, संसद में पास हुआ बिल। सीएए एनआरसी समेत सरकार की कई नीतियों के खिलाफ आज भारत बंद, देशभर की कई ट्रेड यूनियन ने किया बंद का ऐलान। 10 केंद्रीय मजदूर संगठन भारत बंद में शामिल, वहीं बैंक कर्मचारियों ने भी बंद का किया समर्थन। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधाएं प्रभावित 25 करोड़ लोगों के बंद में शामिल होने का दावा। आगरा में प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कई जगह सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, भारी सुरक्षा बल की तैनात। आज से 2 दिन तक देशभर के कई छात्र संगठनों का बड़े स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान, पूर्वोत्तर के साथ राज्यों के छात्र प्रदर्शन में शामिल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी आज जेएनयू वीसी जगदीश कुमार से कर सकते हैं मुलाकात, वीसी की छात्रों से दोबारा कैंपस आने की अपील। जेएनयू हिंसा मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, दिल्ली पुलिस छात्रों, प्रोफेसर और सुरक्षा गार्ड के बयान करेगी दर्ज। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी, लोगों से मांगी मामले में से जुड़ी तस्वीरें, नकाबपोश के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीक का कर सकती है इस्तेमाल। जेएनयू में रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का बहिष्कार करेगा जेएनयू एसयू, आईसी घोष ने कहा फीस बढ़ोतरी को लेकर आज रहेगी हड़ताल। जेएनयू में हिंसा के खिलाफ छात्रों को मिला दीपिका पादुकोण का साथ, कन्हैया कुमार के प्रदर्शन के दौरान कैंपस में नजर आई बॉलीवुड हीरोइन। घायल जेएनयू छात्र अध्यक्ष आईसी घोष से मिले दीपिका, 10 मिनट तक जेएनयू कैंपस में रही, बिना कुछ बोले हुई रवाना। आज तक से बातचीत में दीपिका ने जेएनयू में छात्रों के साथ हुई हिंसा पर जताया दुख, बोली मौजूदा हालात हिंदुस्तान के सिद्धांत के खिलाफ। डर भी लगता है, दुख भी होता है, और आई थिंक हमारे देश का जो एक फाउंडेशन है ये तो जरूर नहीं था। जेएनयू में दीपिका की चुप्पी पर कन्हैया कुमार का तंज, बोले मुझे नहीं पता दीपिका आई थी जेएनयू। वो आप उनको उनके पीआरओ टीम से हमको पूछना पड़ेगा। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण यहाँ आई, क्या? अच्छा आई थी, आई थी, हम नहीं देख पाए, हम तो नाराज, हम तो अपनी जनता देख रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दीपिका को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक, दीपिका की फिल्म शबाक का बहिष्कार करने के लिए। एक्टर वरुण धवन ने भी किया जेएनयू हिंसा का विरोध, बोले दोषियों को मिले सख्त सजा। जेएनयू हिंसा को लेकर देर रात तक प्रदर्शन कैंपस में छात्रों ने निकाला मार्च। दुर्गापुर में लेफ्ट की रैली में शामिल हुए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी की मां वीसी के इस्तीफे की मांग। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जेएनयू हिंसा के पीछे लेफ्ट को बताया जिम्मेदार, बोले एबीवीपी के छात्रों को बना रहे निशाना। झांसी में एनएसयूआई का अभिनंदन प्रदर्शन, एसपी ने मारा चाटा, 5 लोग हिरासत। प्रयागराज में जेएनयू हिंसा पर नाराज छात्रों ने किया अमित शाह का पुतला फूंकने की कोशिश, पुलिस के साथ छीनाझटकी। रोहतक में जेएनयू हिंसा के विरोध में प्रदर्शन के दौरान 2 छात्र गुटों में झड़प, एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस के समर्थन में लगाए नारे। अब 3 चरणों में खुलेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 15 दिसंबर के बाद बवाल के बाद एमयू है बंद। निर्भया कांड में सबसे बड़ा फैसला, दिल्ली की अदालत ने 4 दोषियों के खिलाफ जारी किया डेथ वारंट। डेथ वारंट में 22 जनवरी को मुकर्रर की गई फांसी की तारीख, सुबह 7 बजे आखिरी सांस लेंगे निर्भया के गुनेगार। फैसले से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई चारों गुनेगारों की पेशी, निर्भया के दरिंदों ने कही दया याचिका दाखिल करने की बात। डेथ वारंट जारी करने का फैसला सुनकर रोने लगे निर्भया के गुनेगार, अलग अलग सेल में रखे गए चारों। फैसले के बाद निर्भया की मां की आंखों से छलके आंसू, कहा फांसी से न्याय व्यवस्था में बढ़ेगा भरोसा, डरेंगे अपराधी। हमीरपुर में कोचिंग जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर अध्यापक को पीटा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, टीडीपी कार्यकर्ताओं ने की आगजनी। गया में छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा महंगा, लड़की ने की पिटाई, वीडियो वायरल। मुरादाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मिला शव। पटना में लड़की के साथ गैंग रेप के बाद हड़कंप, अगवा करने के बाद 4 लोगों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप। पहाड़ों में नहीं थम रहा बर्फ गिरने का सिलसिला, उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी। भारी बर्फबारी के बीच गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी से आगे बंद, घनशाली तिलवाड़ा मार्ग भी मौसम की वजह से हुआ बंद। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों को 5 बजे के बाद घर से ना निकलने की हिदायत। शिमला में भी बर्फबारी का दौर जारी, 48 घंटे से लगातार गिर रही है आसमान से सफेद आफत। हिमाचल के सिरमौर में भी बर्फ की मार, लोग घरों में दुबकने को मजबूर। इंदौर टी20 में टीम इंडिया के श्रीलंका पर आसान जीत, 15 गेंद पहले, 7 विकेट से जीता मुकाबला।